जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं द 100 के जो मुकाबले खेले जाएंगे ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में, इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। अब ये मुकाबला होगा 29th द 100 का और ये मैच खेले जाएंगे 21 अगस्त रात के 11 बजे। अगर हम वेन्यू को लेकर बात कर लेंगे, कैनिंगटन ओवल लंदन में मुकाबला खेला जाएगा। अगर आपको फाइनल टीम अपडेट्स चाहिए कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या काम करने होंगे, सबसे पहले आप चले जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको जो है सबसे टॉप में दिख जाएंगे, सबसे टॉप कह लो या फिर आपको थोड़े से नीचे दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। या फिर इससे भी आसान तरीका अपनाना है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ना बेहद ही जरूरी है। आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद जो भी मेरे टीम में बदलाव होंगे उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिल जाएंगे। एडिटर साहब से मैं बोलूँगा इंट्रो लगाया जाए। हम चलेंगे पेज नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स कवर इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, हम बात करेंगे मैच डिटेल्स को लेके, फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट को लेके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रिसेंट मैच जो खेले गए हैं वहाँ पे क्या हुआ है, क्या रिजल्ट रहा है, और फिर हम बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स, कौन से प्लेयर के इस वेन्यू के ऊपर क्या स्टैट्स है, कौन से प्लेयर जो है रिसेंट कैसा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड को लेके, हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेके, रिसेंट फॉर्म को लेके, फिर हम सबसे लास्ट में देखेंगे स्मॉल लीग जीएल की हमारी कॉम्बिनेशन क्या होंगी। देखिए सबसे बड़ा स्टेट जो आपके सामने है, एवरेज स्कोर हम बात करेंगे अगर इस वेन्यू के ऊपर तो आपको देखने को मिल जाएगा 150 से लेके 180 के बीच में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइस्ट स्कोर को लेके, थोड़ा सा मैं इसको साइड करके बता दूं, हाइस्ट स्कोर को लेके बात कर लेंगे सर इस वेन्यू के ऊपर, मैं T20 के बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ, द 100 को लेके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो सर्रे ने 20 ओवर में 252 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पे। अगर हम बात करेंगे लोएस्ट स्कोर को लेके तो यहाँ पे ग्लेमोर्गन ने 45 रन किए थे 10 विकेट के नुकसान पे। अब नीचे में अगर हम बात करेंगे पिच सुटेबल फोर तो आपको दिख जाएंगे गुड फोर पेसर्स हैं। वेन्यू T20 स्टैट्स को लेके बात कर लेंगे, टोटल मैचेस इस वेन्यू के ऊपर 71 खेले गए हैं, जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 30 मुकाबला विन किया हुआ है और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 39 मुकाबला विन किया हुआ है। इसका मतलब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया होगा, सेकंड जो टीम बैटिंग करती है उसके पास थोड़ा सा एज होता है। स्कोरिंग पैटर्न को लेकर अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे बिलो स्कोर 150, वैसे ये सब स्टैट्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, सिर्फ मिलेंगे प्रेडिक्शन राजा की दुनिया में। तो यहाँ पे बिलो स्कोर 150 जो है वो 24 दफा बने हुए हैं, फिर बिटवीन 150 से लेकर 169 के बीच में 17 दफा बने हुए हैं, फिर आपको दिख जाएंगे बिटवीन 170 से लेकर 189 के बीच में 10 दफा बने हुए हैं, और एबव 190 20 दफा बने हुए हैं। इसका मतलब इस पिच पे ठीक ठाक रन बनते हैं। रिसेंट मैच एट वेन्यू, मतलब इस वेन्यू के ऊपर रिसेंट मैच जो खेले गए हैं उसमें किस टीम ने कैसा प्रदर्शन किया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे इस पिच पे रिसेंट मैच कौन सा खेला गया है, 21th जो मुकाबले खेले गए हैं द 100 का वो इसी पिच के ऊपर खेला गया था, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ओवल इनविंसिबल की जो टीम है उसने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाए थे 189 रन 100 बॉल में। जवाब में LS की जो टीम है, लंदन स्प्रिट की टीम, वो उस टारगेट से 2 रन विफल रह गए थे, 2 रन से मैच हार रहे थे। इसका मतलब ध्यान दीजिए 187-189 रन 100 बॉल में बन रहे हैं। अगर हम बात करेंगे स्पिन को फर्स्ट इनिंग में कितना विकेट मिला हुआ था, 0, और पेसर्स को मिला हुआ था 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में आप किसी भी T20 फॉर्मेट में जाओगे अगर बोर्ड पे रन होते हैं ठीक ठाक, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में जरूर आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड इनिंग में जो है वो स्पिनर्स को 3 विकेट मिला, पेसर्स को 4 विकेट, रन आउट, भाई ये भी स्टेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, रन आउट चेक भी नहीं हुए थे। अगर आप यहाँ पे आके बात करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक और मुकाबला खेला गया था, 13th मुकाबले द 100 का जो कि 9 अगस्त को खेला गया था, वहाँ पे ओवल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाए थे 186 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जवाब में यहाँ पे एमओ की जो टीम है ना, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, लुटक गई थी सिर्फ 92 पे। फर्स्ट इनिंग में देखिएगा यहाँ पे स्पिनर्स को 0 विकेट मिला था, पेसर्स ले गए थे 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिला था 5 विकेट और पेसर्स ले गए थे 5 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में लगातार आप देख रहे हो स्पिनर्स आपको इसमें गेम में आते दिख रहे हैं कि पेस वर्सेज स्पिन ऑन वेन्यू। लास्ट 10 मैच में अगर आप बात करोगे तो इस वेन्यू के ऊपर
83 विकेट लिए हैं पेसर्स और 33 विकेट लिए स्पिनर्स, 33 नहीं 41 विकेट। परसेंटेज बेसिस पर बात करोगे 67% विकेट जो है वो लिए हैं पेसर्स, 33% विकेट जो है वो स्पिनर के खाते में गए हैं। हेड टू हेड बैटल को लेके बात कर लेंगे। ओवल और ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जो है टोटल आमने सामने आए हैं कितने मुकाबले, 2 मुकाबले, जहां पे एक ओवल की टीम जीती है और एक सामने वाली जो टीम है ट्रेंट रॉकेट्स वो टीम विन की है। अगर हम बात करेंगे प्रीवियस मैच रिजल्ट्स को लेके, तो ओवल की टीम जो है लास्ट के 5 में से 2 दफा विन करके आ रही है, फिर 1 हारी है, फिर 2 विन की है। अगर हम बात करेंगे ट्रेंट रॉकेट्स को लेकर विन लॉस, जो कि हमारा ये दोस्तों एक फेवरेट सेक्शन फेवरेट जोन में से एक होती है, इस चीज का आप जरूर ध्यान देना कि आपको मालूम चल जाएगा प्लेयर का रिसेंट फॉर्म कैसा है। इस पेज में बात कर लेते हैं ओवल इनविंसिबल की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या रह सकता है। जेसन रॉय, फिर आपको दिख जाएंगे विल जैक्स, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे टीम मुयाने, हैंडी क्लासेन, देन आफ्टर सैम करन, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, रॉस विटले, नथन जॉटर, एडम जंपा और स्पेंसर जॉनसन आपको खेलते इस मैच में दिख जाएंगे। तो इस सेक्शन के ऊपर आपको बारीकी से ध्यान देना है क्योंकि ये सेक्शन आपको मिनी जीएल में अच्छा खासा रैंक दिलवा देगा। जैसे हम रैंक को लेकर बात कर लेंगे, यहाँ पे 121 मुकाबले खेले हैं, 372 रन है, 20 का बैटिंग एवरेज है। हेड टू हेड को लेकर बात कर लेंगे, 2 मैच 76 का इनका जो है वो 76 रन है। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे एवरेज को लेकर 76 का एवरेज भी है। वेन्यू के ऊपर 11 मुकाबला, 193 रन, 19 का एवरेज है। और अगर रिसेंट फॉर्म को लेकर बात कर लेंगे 21, 23, 17, 0, 15 है। सेम आपको देखने को मिल जाएंगे विल जैक्स का, लेकिन विल जैक्स का प्लस पॉइंट क्या है, वैसे ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अच्छे खासे विकेट रिसेंटली लेके जा रहे हैं। हेड टू हेड को लेकर बात कर लेंगे, 2 मैच 24 रन, सिर्फ 12 का एवरेज है, हेड टू हेड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वेन्यू को लेकर बात कर लोगे तो बेहद ही शानदार प्रदर्शन है, 10 मैच 321 रन, 35 का बैटिंग एवरेज, 2 विकेट इन्होंने लिए हुए हैं, रिसेंट फॉर्म तो लाजवाब है। 13 मैच 13 रन, 1 विकेट, 68 रन, 2 विकेट, 2 रन, 0 विकेट और 40 रन और 32 रन। नीचे बात कर लेंगे यहाँ पर मुयाने को लेके, तो इन्होंने 200 के 2 मुकाबले खेले, 11 रन किए, बहुत ही बेहद ही निम्न स्तर के प्लेयर हैं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। क्लासेन व्हाइट बॉल के रिसेंटली मुझे लगता है कि इनसे बेहतर प्लेयर आपको कोई और नहीं दिखेंगे। देखिएगा 200 में 7 मुकाबला खेले, 189 रन, 31 का बैटिंग एवरेज और यहाँ पे हेड टू हेड अभी तक एक बार भी आमने सामने नहीं आए हैं। वेन्यू को लेकर बात कर लेंगे, 3 मैच 124 रन, 62 का बैटिंग एवरेज और रिसेंट परफॉर्मेंस 18, 46, 0, 46 और 6। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैम करन को लेकर, लाजवाब कैप्टनसी वीसी के मटेरियल। 200 में अगर आप इनके ऊपर ध्यान दोगे तो इन्होंने टोटल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, 200 के 17 मैचेस में इन्होंने टोटल किए हुए 318 रन, 21 का एवरेज है, 15 विकेट, मतलब 21 का एवरेज भी है और 15 विकेट भी है, तो इससे बेहतरीन आपको कैप्टन वीसी के मटेरियल कोई और दिखेंगे क्या। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे वेन्यू को लेके, 22 का एवरेज है, 6 विकेट इन्होंने लिए हुए 8 मैच में, फिर रिसेंट फॉर्म 8 रन, 1 विकेट, 35 रन, 1 विकेट, 11 रन, 0 विकेट, 24 रन, 2 विकेट। अब अगर हम बात कर लेंगे टॉम करन, सैम करन के भाई टॉम करन है, इनको लेके अगर हम बात कर लेंगे, इनके भाई एक और हैं वेन करन को लेके, हम डोमेस्टिक जब कवर करेंगे वहाँ पे बात करेंगे। 200 में 19 मैच में 288 रन, 41 का बैटिंग एवरेज, 19 विकेट है इनके पास। फिर देखिएगा हेड टू हेड, 2 मैच में इनके पास 8 रन है प्लस 2 विकेट हैं। वेन्यू को लेके बात कर लेंगे, 9 मैच में 158 रन है, 39 का एवरेज है और 11 विकेट भी हैं, कैप्टन वीसी में आप इनको भी रख सकते हो। रिसेंट फॉर्म 43 रन, 3 विकेट, 38 रन, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट और विकेटलेस गए थे। सैम बिलिंग्स को लेके बात कर लेंगे तो 200 में 22 मैच 273 रन है। फिर रिसेंट फॉर्म के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे 0-2, 14-0-5 बहुत तगड़े प्लेयर हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खुद को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। रॉस विटले को लेकर बात अभी हम यहाँ पे ना करें तो सही होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे नथन सॉटर को लेकर, जिन्होंने 100 में जो है टोटल इस वेन्यू के ऊपर 5 मुकाबला खेले हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5 मुकाबला में इन्होंने टोटल लिए हैं 5 विकेट। कितने विकेट मेरे दोस्त? 5 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, अच्छे गेंदबाज हैं। अगर स्पिनर के लिए पिच में कुछ भी मदद होती है तो आप इनको बैक कर सकते हो। फिर आपको दिख जाएंगे एडम जंपा, इन्होंने 100 के 6 मुकाबले के लिए 8 विकेट इनके पास है। अगर बात कर लेंगे वेन्यू को लेके, 1 मुकाबला में 2 विकेट है इनके पास। और अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, मिनी जीएल जीएल में कैप्टन वीसी, आप देखकर चले जाना, जंपा एक ऐसे प्लेयर है दिनचर्या गुच्छे में विकेट लेकर आपको दे देंगे। अगर हम बात करेंगे 11 प्लेयर को लेकर आपको दिख जाएंगे स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने 100 के 5 मुकाबले में 4 विकेट लिए हुए हैं। रिसेंट फॉर्म इनका अगर देखोगे
0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट। अब बेंच प्लेयर आपको देखने को कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि सुनील नारायण, जॉर्डन कॉक्स और यहाँ पे डेनी विक्स, गस एटकिंस। अब आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके। एक कह सकते हो कि मेरा फेवरेट जोन में से एक जोन आता है यहाँ पे। अगर आपने इन सेक्शन को बारीकी से समझ लिया मेरे दोस्त, तो आपके लिए मिनी जीएल हो सारे जितने आसान हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, तो आपको जो है स्टार्टिंग ओवर्स दिख जाएंगे सैम करन करते हुए, नथन शॉर्टर और स्पेंसर जॉनसन। कभी कभार नथन शॉर्टर आ जाते हैं स्टार्टिंग में स्पीड डालने के लिए। डेथ ओवर्स मुझे लगता है कि अगर जैक चैपल खेलेंगे तो डालेंगे, अदरवाइज आपको दिख जाएंगे सैम करन और टॉम करन। अब आइए हम बात करते हैं सामने वाली जो टीम होंगी ट्रेंट रॉबर्ट्स की, उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकता है। तो ओपन करते आपको दिख जाएंगे एलेक्स हेल्स, जो रूट, टी कॉलर, कैडमोर, सैम हेन, कॉलिन मनरो, डेनियल सैम्स, लुइस ग्रेगरी, ल्यूक वुड, एम कार्टर, इसोडी और आपको दिख जाएंगे सैम कुक। अब आइए हम बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के साथ साथ उनका स्टेट्स देख लेते हैं क्या है। एलेक्स हेल्स नाम याद रखिएगा भाई, ये चलेंगे तो धागा खोल देंगे, अदरवाइज ये फ्लॉप होकर चले जाते हैं। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे एलेक्स हेल्स को लेके, तो इन्होंने 200 के 24 मुकाबले खेले हैं, जहाँ पे इनका बैटिंग एवरेज 22 का है। अगर हम बात कर लेंगे वेन्यू को लेकर, 2 मुकाबला 28 रन, मतलब वेन्यू परफॉर्मेंस एलेक्स हेल्स का उतना अच्छा नहीं है। रिसेंट फॉर्म 27-0-4-15-29। जरूर को लेकर बात कर लेंगे, लास्ट जवाब फॉर्म से चल रहे हैं, 200 के 9 मुकाबले में 33 का बैटिंग एवरेज है, प्लस 3 विकेट भी है। लेफ्टीज अगर सामने आते हैं तो आपको जरूर कुछ ओवर की गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। रिसेंट फॉर्म 8-35-14-72, प्लस 0 विकेट और 4+2 विकेट है। नीचे से बात कर लेंगे आपको दिख जाएंगे टी कॉलर, कैडमोर, 19 मैच में इन्होंने 19 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। और वेन्यू को लेकर बात कर लेंगे 11-64-6-33-15। सैम हेन को लेकर बात कर लेंगे, काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन, 9 मैच 165 रन 27 का इनका एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 33-20-63। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कलिन मनरो को लेकर, 200 में बात कर लेंगे, इन्होंने टोटल जो है वो 22 मुकाबला खेले, 37 का बैटिंग एवरेज है। हेड टू हेड में बात कर लेंगे, 2 मुकाबला 49 का बैटिंग एवरेज है। सब इन प्लेयर को आपको यहाँ पे बैक करके चलना चाहिए। और रिसेंट फॉर्म को लेकर बात कर लेंगे 34-36-66-24-15 किए हुए हैं। फिर आपको दिख जाएंगे लुइस ग्रेगरी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इनके पास। अगर ये अपने पोटेंशियल के बेसिस पर बैटिंग प्लस बॉलिंग कर जाते हैं, कैप्टन वीसी के मटेरियल तक बन सकते हैं। देखिएगा ग्रेगरी के ऊपर तो आपको देखने को मिल जाएगा 24 मैच में इनका जो है वो 35 का बैटिंग एवरेज, प्लस 9 विकेट भी है। हेड टू हेड 2 मैच 52 रन 0 विकेट है। वेन्यू पर देखोगे तो 39 इनका एवरेज है, 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 18-0-2-0-6-0-11+0 विकेट। एक डेनियल सैम्स, अगर हम बात करेंगे इनका हेड टू हेड 1 मैच 3 रन 3 विकेट। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सेक्शन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान नहीं देना है कि इन्होंने 200 में क्या किया है। आपको फोकस करना है हेड टू हेड में इनका बैटल क्या है, वेन्यू के ऊपर इनका बैटल क्या है और रिसेंट फॉर्म इनका कैसा है। रिसेंट फॉर्म है इनसे बेहतर किसी का है ही नहीं। 20 रन 3 विकेट 13 रन 2 विकेट 17 रन 2 विकेट 32 रन 0 विकेट, कैप्टन वीसी के प्रबल दावेदार में से एक। लिक्विड को लेकर बात कर लेते, इंग्लैंड की बहुत बड़ी खोज है ये। अगर इनको लेकर बात कर लेंगे तो इनका रिसेंट फॉर्म भले ही अच्छा ना हो, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखते हैं। लास्ट के 5 मैच में 5 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। अब आइए हम बात करते हैं इनके अगले बल्लेबाज, हो सकते हैं मैथ्यू कार्टर को आपको यहाँ पे खेलते दिख जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से कम मुझे नजर आ रहे हैं इनको लेके। तो इन्होंने जो है टोटल वेन्यू पे 2 मुकाबला खेले हैं, जहाँ पे इन्होंने टोटल 2 विकेट लिए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म को लेकर, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, इस सॉरी अच्छे प्लेयर हैं, बैक कर सकते हो, आपको कभी भी गुच्छे में विकेट लेकर दे सकते हैं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। सैम कुक मिनी जीएल जीएल में ट्राई कीजिएगा, विकेट टेकर गेंदबाज मैं इनको नहीं मानता हूँ, कभी कभार ही गुच्छे में विकेट लेंगे, अदरवाइज ये 1-2 विकेट लेके ही चलते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉम मूर्स को लेके। टॉम मूर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वेन्यू पे 2 मुकाबले खेले हैं, जहाँ पे इनका जो है वो एवरेज है 10 का और रिसेंट फॉर्म 8, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे 68-73-31-1। समित पटेल ये सब बेंच पे हो सकते हैं, समित पटेल को हो सकता है पॉसिबल प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 35 रन है, 17 का बैटिंग एवरेज है, 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म लाजवाब नहीं है। ब्रैड विल और डेविड मलान शायद इंजर्ड है, वो आपको यहाँ पे शायद हो सकता है खेलते ना दिखे। अब भाई हम बात कर लेते हैं इनका स्टार्टिंग ओवर्स और डेथ ओवर्स आपको कौन डालते दिख जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो है वो स्टार्टिंग ओवर्स आपको डालते दिख जाएंगे ल्यूक वुड, उसके बाद आपको यहाँ पे डालते दिख जाएंगे इसोडी और सैम कुक। इसोडी नॉर्मली आपको दिखेंगे 10 बॉल के बाद ही। अगर हम बात करेंगे डेथ ओवर्स को लेकर, ध्यान रखिएगा ल्यूक वुड, डेनियल सैम्स, कभी कभार रेयर केस में आपको दिख जाएंगे सैम कुक। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। मेरी जो अभी फैंटेसी का टीम है वो आपके सामने है, जहाँ पे मैंने विकेट के पीछे लिए क्लासन साहब को। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक और विकेट कीपर कैडमोर को भी मैंने अभी के लिए अपने फैंटेसी के टीम में जगह दिया हुआ है। फिर मैंने लिए अपनी टीम में अभी के लिए एलेक्स हेल्स को, विल जैक्स को, जो रूट को, जेसन रॉय हमारी टीम में होंगे, डेनियल सैम्स, सैम करन, टॉम करन, फिर ल्यूक वुड और नथन शॉर्टर। अभी के लिए मैंने कैप्टनसी का भार सौंपा है डेनियल सैम्स को। रीजन पता है, रीजन ये है कि इस पिच पे बात कर लो या फिर डिसेंट फॉर्म को लेकर बात कर लो, सैम्स आपका अच्छा है,
तो मैंने कैप्टनसी का बार इनको अभी सौंपा है, वीसी मैंने टेलीग्राम के लिए रखा है। अभी तो मैंने विल जैक्स को भले ही वीसी दे दिया हो, लेकिन फाइनल वीसी मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है अगर आपको फाइनल वीसी चाहिए तो। टेलीग्राम चैनल को लेकर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमने अब फाइनल के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा, और इसके लिए मैं दो भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगा फैंटेसी काउंसिल अक्षय भाई को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया पैनल पाने के लिए। दूसरा रक्षित भाई क्रिक मास्टर में, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि राजा भाई आपको पैनल पे आ जानी चाहिए। तो मैंने भी डिसाइड किया कि भाई चलो पीआर फैमिली के लिए जो बेहतर होगा वो मैं काम करूंगा। तो फाइनली मैं पैनल पा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।